हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? उनके एक युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1:11, मैं हूं आपके साथ शिवानी। नरेंद्र दामोदर मोदास मोदी का आज जन्मदिन है। आपको बता दें कि उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और वो 2014 से भारत के 14वें और फिर 2019 में भारत के 15वें तथा वाराणसी से सांसद बने। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य हैं। वडनगर के गुजराती तेली परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा भी किया। 1969 से 1970 तक वो गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए, तो वहीं 1971 में वो आरएसएस के लिए पूर्वकालिक कार्यकर्ता भी बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना भी पड़ा और 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य भी किया, जहां वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। गुजरात भूकंप 2001 के बाद भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधायी विधानसभा के लिए भी चुने गए और 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन का कठोर माना गया। इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई और हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी श्रेय दिया गया। बता दें आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं और वो गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं भी लिखते हैं। बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा में शामिल होने के और उनके कार्यकाल की और जिस तरह से कांग्रेस के साथ बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना देखने को मिला उस बारे में, तो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि वे सबके दिलों में प्रेम भरेंगे और उसके और सबको कांग्रेस में शामिल करेंगे। ये कहने के बाद धन्यवाद बोलते हुए राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उनसे हाथ मिलाते हुए गले भी मिला। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो पल। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी, तो देखा आपने कि किस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं, हालांकि फिर नरेंद्र मोदी उन्हें वापस बुलाते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे गले भी मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच में टकराव और नोकझोंक हमेशा में देखने को मिला, चाहे वो धारा 370 ही क्यों ना हो या फिर 35 से हटाने के बाद या फिर 3 तलाक, इन तमाम बातों के बावजूद भाजपा और बीजेपी का जो नोकझोंक का रिश्ता रहा है वो जनता पसंद भी करती है। उनके एक युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करना। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। ₹2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है ये नहीं।
न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी इन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाई बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है ती है। लेकिन अगर बात करें उसके बाद हम पाकिस्तान की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है उन्होंने कई चीजों को जहां तक सही भी किया है, तो जिसका आज तक पाकिस्तान जो है वो उसको नकारती हुई भी नजर आई है। चलिए हम लोग साफ तौर पर अगर बात करें तो एक समय की बात है जब पाकिस्तान ने ये कहा था कि उसके पास न्यूक्लियर है, उसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित किया जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि इसके पास न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या, हमने दिवाली में रखी है, दिवाली के लिए हमने रखी है। आइए सुनाते हैं आपको वो शब्द जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक पीएम को और पाकिस्तान को लेकर कहे थे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो सुना आपने, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच किस तरह का टकराव रहा है, लेकिन बावजूद हिंदुस्तान के आगे दोस्ती भरा हाथ बहराने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसकी आलोचना हमेशा करनी पड़ी है हिंदुस्तान को। लेकिन जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नुकझुक की जो बातचीत है वो और बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए काफी काम किए। चाहे वो, आपको बता दें कि धारा 370 हटाने की हो, 35 ए को हटाने की हो, 3 तलाक हटाने की हो, या फिर चंद्रयान 2, या फिर हम बात करें उस दिन की जब शहीद हुए हम जवानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका करारा जवाब उन्होंने पाकिस्तान को दिया सर्जिकल स्ट्राइक करवा के। छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो। आ रहा है, आपने देखा होगा कोने कोने से, और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है, बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का मजा होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूज 11 की टीम की तमाम सदस्यों की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, और जिस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए ऐसे कार्य किए उन सभी कार्य को हम सभी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।